Hey guys, welcome to the Ashima Show. दोस्तों, इस साल जो लोग वर्क वीजा या फिर डिपेंडेंट वीजा पर यूएस से आने का सोच रहे थे, उनके लिए एक बुरी खबर है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके फॉरेन नेशनल के वर्कर्स, जिसमें करोड़ों भारतीय भी शामिल हैं, उनके अमेरिका आने पर रोक लगाई है। वो अब यूएस से नहीं आ पाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने अप्रैल 23 को भी 2 महीने के लिए ग्रीन कार्ड, या जिसको परमानेंट रेजिडेंसी भी बोलते हैं, उस पर बैन लगाया था। ट्रंप के अकॉर्डिंग इस कदम का मकसद कोरोना वायरस से हुए करोड़ों बेरोजगार अमेरिकन लोगों को अमेरिका में जॉब के अवसर देना है। लेकिन असल में कुछ क्रिटिक्स इसको नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल मूव भी बता रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट के नारे को लेकर इलेक्शंस में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। लाखों भारतीय जो अभी इंडिया में हैं और जो यूएसए में जॉब कर रहे हैं, उनके मन में दुविधा बनी हुई है कि क्या वो अब यूएसए में जॉब कर पाएंगे या क्या अब उनका वीजा रिन्यू हो पाएगा। वीडियो में बताऊंगी किन किन वीजा कैटेगरी वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा और किन पर नहीं, और साथ ही बताऊंगी लॉटरी सिस्टम का रिप्लेसमेंट मैरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम क्या है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या है। कोरोना संकट से पैदा हुई आर्थिक तंगी का असर केवल डेवलपिंग कंट्रीज में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और रशिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने मंडे को एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत विदेशियों के लिए कई वर्किंग वीजा को बैन कर दिया गया है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये डिसीजन से अमेरिकन वर्कर्स के लिए 5,25,000 जॉब्स खाली हो जाएंगे, जो पहले इमिग्रेंट द्वारा भरी जा रही थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू क्रिएट एन इमिग्रेशन सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द लाइव्स एंड जॉब्स ऑफ आवर सिटीजंस। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जिस पे बैन लगेगा, उसमें H-1B वीजा एंड H-4 वीजा कैटेगरी शामिल है। H-1B स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा कैटेगरी होती है, और H-4 डिपेंडेंट वीजा है जो H-1B स्पाउस को इशू किया जाता है। अगर किसी का H-4 वीजा स्टैम्प्ड है तो वो US ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन किसी भी नए वीजा स्टैम्पिंग पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही H-2B वीजा, J-1 वीजा, L-1 वीजा पर भी बैन लगा दिया गया है। ये बात मैं साफ करना चाहती हूँ कि ये बैन उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो भी यूएसए से बाहर है। यूएसए में जो भी लोग जिस भी वीजा पर काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर किसी का वीजा रिन्यूअल पेंडिंग है, वो भी इफेक्ट नहीं होगा। जिन लोगों का ग्रीन कार्ड अंडर प्रोसेसिंग है, उनके फॉर्म या I-140 पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही जो डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स कोरोना वायरस पेंडेमिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी एग्जेम्पशन है। वीजा बैन 24 जून 2020 से लेकर इस साल के एंड तक 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगा। हर साल अक्टूबर में यूएस इमिग्रेशन 85,000 प्रोफेशनल्स के लिए लॉटरी के थ्रू H-1B वीजा इशू करती है। इस ऑर्डर के बाद उन सभी लोगों को यूएस ट्रैवल करने के लिए अगले साल 2021 तक वेट करना पड़ेगा। साथ ही लॉटरी सिस्टम को चेंज करके मैरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। जो भी एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज को हाई सैलरी देंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इससे एंट्री लेवल जॉब्स में कंपटीशन कम हो जाएगा और वो जॉब्स अमेरिकन द्वारा भरी जाएंगे। 2018 के अकॉर्डिंग कॉग्निजेंट CTS वॉज द लार्जेस्ट H-1B एम्प्लॉयर, फॉलोड बाय TCS लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, डिलॉयट एंड माइक्रोसॉफ्ट। साथ ही Amazon, Apple, Google एंड Facebook ने भी H-1 वीजा होल्डर्स को लार्ज नंबर में रिक्रूट किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह मानना है कि इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव, IT एक्सपर्ट, डॉक्टर्स को जो अमेरिका की तरफ से नॉट वेलकम का साइन दिखाया जा रहा है, कुछ टाइम बाद देश के लिए महंगा पड़ेगा। गूगल CEO ने कहा, डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज प्रोक्लेमेशन, आई सपोर्ट इमिग्रेशन एंड विल कंटिन्यू वर्किंग फॉर दिस। वहीं Amazon ने ये बैन को शॉर्ट साइटेड बताया है और कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी की रिकवरी में हर्डल बनेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जुटाई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।